आई होप यू ऑल आर वेल वेलकम टू राइट गाइडेंस एन एन विशन माई नेम इज़ अंजलि सो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट टू का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विच इज बेस्ड ऑन सूफिज्म इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो इस वीडियो के बाद सिर्फ आपके यूनिट थ्री के दो क्वेश्चन और यूनिट फोर का एक मैप वाला क्वेश्चन पेंडिंग रह जाएगा उसके अलावा सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ एच के डिस्कस कर चुकी हूँ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट स्टार्ट विद द टॉपिक सो क्वेश्चन नंबर सेवन गिवन अकाउंट ऑफ ओरिजिन ग्रोथ एंड मेन फीचर्स ऑफ सूफी मूवमेंट इन पंजाब सबसे पहले आपने लिखना है मीनिंग ऑफ सूफी एंड सूफिज्म स्कॉलर्स है डिफरेंट व्यूज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड सूफी अब अलग अलग स्कॉलर्स ने जो सूफ़ी वर्ड है इसका मीनिंग दिया है सूफी का मतलब यूजली क्या होता है ये वर्ड साफ़ा से लिया गया है साफ़ा का मतलब होता है प्योर जो शुद्ध चीज होती है वहाँ से सूफी वर्ड जो है वो लिया गया है दो संत अमंग द मुस्लिम्स प्रीस्ट द लाइफ ऑफ प्योरिटी कॉल सूफी इस्लाम धर्म के अंदर जो संत मुस्लिम लोगों को प्योरिटी की लाइफ यानी शुद्ध लाइफ जीने की ट्रीचिंग देते हैं उन पर्सन को हम सूफी कहते हैं द अदर व्यू इज दैट सूफी ड्राइव इट्स नेम फ्राम द अरेबिक वर्ड सूफ विच मीन्स वूल और दूसरा एक व्यू पॉइंट है कि जो सूफी शब्द है ये अरेबिक भाषा से लिया गया सूफ जिसका मतलब होता है वूल यानी कि उन ऊन का कपड़ा पोज मुस्लिम संत हु वॉर गारमेंट्स ऑफ वूल केम टू बी कॉल्ड सूफी संत तो वो मुस्लिम संत जो वूल के कपड़े पहनते थे उन्हें सूफी संत कहा जाने लगा ये दूसरा व्यू पॉइंट था स्टिल अनदर ओपिनियन एक तीसरा ओपिनियन और भी है कि ये जो वर्ड है सूफी ये डिराइव किया गया है अरेबिक भाषा से साफ जिसका मतलब होता है कारपेट यानी कि कालीन एज द सूफीज मेडिटेटेड अपॉन गॉड ऑन अ कार्पेट अब जैसे कि पता है आपको कि मुस्लिम जो होते हैं वो कारपेट यानी कालीन पर बैठकर जो है गॉड की वर्शिपिंग करते हैं तो यानि कि वो लोग जो कारपेट पे बैठकर गॉड की वर्शिपिंग कर रहे हैं उनसे कनेक्ट कर रहे हैं उन्हें भी सूफीज कहा जाता है येट अनदर व्यू इज़ दैट इट इज़ टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सूफिया मीनिंग विजडम पर एक लास्ट ओपिनियन ये भी है कि जो ये वर्ड है सूफ़ी ये ग्रीक भाषा से लिया गया है सूफिया से जिसका मतलब होता है विजडम यानी कि बुद्धि इंटेलिजेंस तो इंटेलिजेंट लोगों को भी सूफी कहा जाता है तो यहाँ पे चार व्यू पॉइंट है इस सूफी और सूफीज़म को लेके क्योंकि एग्जैक्ट ये नहीं पता है कि ये जो टर्म है कहाँ से आई है और कहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ है तो इसीलिए अलग अलग स्कॉलर्स ने इसका मीनिंग दिया है अपने तरीके से नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी डेफिनेशन डेफिनेशन आपने टू द पॉइंट ऐसे ही लिखनी है आप अपने वर्ड्स में बनाकर नहीं लिख सकते हो किसी स्कॉलर के कहे हुए वर्ड्स हैं मैंने सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन यहाँ पे ऐड की है आप दो तीन बार लिख के रिवाइज कर लेना आपको इजिली लर्न हो जाएगी एंड इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आंसर में जो है इस डेफिनेशन को ऐड करो इससे आपका आंसर जो है दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट uh, हो जाएगा और साथ ही साथ एग्जामिनर पर भी अच्छा इंप्रेशन uh, आपका पड़ेगा अगर आप ये डेफिनेशन ऐड करोगे अपने आंसर में सो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ताराचंद सूफिज्म एज अ कॉम्प्लेक्स फिस्ट इट इज लाइक अ स्ट्रीम व्हिच गैदर्स वॉल्यूम बाय जॉइनिंग ऑफ ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम मेनी लैंड का यहां पर मतलब है कि सूफिजम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जिसको समझना कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये थोड़ा सा मुश्किल है इसको कंपेयर किया है एक स्ट्रीम से एक नदी से जिसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज यानी नदियों से पानी आकर उस उस पर्टिकुलर नदी में मिल रहा है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो वैसे ही सूफिजम भाषा के अंदर जो जो अलग अलग इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी दूसरे धर्मों की वो अपनाई गई हैं और उसकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो गई है सूफिज्म धर्म की ये हेडिंग है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ सूफिज़म सूफिजम जो था वो स्टार्ट हुआ था सेंचुरी में अंडर द उमैय डिनेस्टी देर वॉज ए रेपिड स्प्रेड ऑफ इस्लाम उमैय डिनेस्टी जब चल रही थी तो तब उस टाइम पर इस्लाम धर्म जो था बहुत जल्दी स्प्रेड हुआ काफी लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया एज अ रिज़ल्ट ऑफ़ द एक्सपोजर ऑफ Muslims टू अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स तो जैसे ही इस्लाम धर्म फैल रहा था तो धीरे धीरे बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स यानी कि जो नॉर्मल ट्राइबल एरियाज़ के लोग होते हैं उस टाइम पर उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया तो काफ़ी लोग एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आए तो सूफी लेड इन्फोसिस ऑन फ्री थाट एंड लिबरल आइडियाज़ तो सूफी लोग वो लोग हैं जो इन्फोसिस करते हैं फ्री थाट पर यानि कि अपने बात जो है हम सबके सामने खुलकर रख सकते हैं अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उस चीज़ में कोई भी आपको नहीं रोकेगा तो वो बिलीव करते हैं फ्रीडम लिबर्टी और एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ में आपकी हेडिंग है सूफिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू ऑर्डर्स पहला है बी सार दोज हुटेंस टू इस्लामिक लॉज अब बी सार सूफीज़ वो होते हैं जो इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग यानी शरिया लॉ के अकॉर्डिंग सी अपनी वर्शिपिंग करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं इस्लामिक लॉज को सेकेंड पॉइंट है बी शारा दोज डिड नॉट बिलीव इन इस्लामिक लॉज तो वो सूफीज़ जो इस्लामिक लॉज में बिलीव नहीं करते उनके अकॉर्डिंग जो इस्लामिक लॉज हैं वो सोसाइटी को ब्रेक कर रहे हैं या फिर इक्वल ट्रीटमेंट जिससे नहीं मिल रहा है सारे मुस्लिम कम्युनिटी को सबका वेलफेयर नहीं हो रहा है तो इसीलिए कुछ इस्लामिक लॉज़ के वो लोग अंगेज थे और उसमें बिलीव नहीं करते थे तो ऐसे सूफीज़ को कहा जाता था बी शारा नेक्स्ट आपकी हेडिंग है मेन फीचर्स ऑफ सूफिज्म सबसे पहला पॉइंट है गॉड इज़ वन जितने भी सूफी संत हैं उन सबका यही मानना था कि गॉड एक ही हैं ख्वाजा मुहीद्दीन चिश्ती ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाबा फरीद ऑल इम्फेसाइज अपॉन द यूनिटी ऑफ गॉड द सूफी संत इम्प्रेस्ड अपॉन ओनली वन गॉड तो उनके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही गॉड है दैट इज़ अल्लाह सेकेंड पॉइंट है गॉड इज़ ओमनी ओमनी पोर्टेंट एंड ओमनी सेंट इस अंत के अकॉर्डिंग जो गॉड है वो ओमनी प्रेजेंट है यानी कि हर जगह प्रेजेंट है गॉड सेकेंड ओमनी पोटेंट कि गॉड जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल है उनके पास अनलिमिटेड पावर है थर्ड है ओमनी सी कि गॉड के पास हर एक तरीके की नॉलेज है उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन कोई भी नहीं है तो गॉड जो है ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोर्टेंट एंड ओमनी सेंट है और लोगों के दिलों में जो है वो रिजाइड करते हैं थर्ड पॉइंट है इम्पॉर्टेंस टू ट्रूथ द प्रैक्टिस ऑफ सूफिज्म इज द इंटेंशन टू गो द ट्रूथ बाई मीन्स ऑफ लव एंड डिवोशन मेन सूफिज्म का ये मतलब था कि लोगों को सच्चाई की तरफ लेके जाना और किस तरीके से लोग सच्चाई की तरफ जाएंगे ऑफ लव यानी कि दूसरों की मदद कर कर और डिवोशन यानी कि भगवान की भक्ति कर कर उनकी प्रेयर कर कर जो है वो सच के रास्ते तक पहुंच सकते हैं पॉइंट है बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड इस्लाम जैसी टीचिंग्स हमें कुरान में देखने को मिलती हैं सेम चीज़ें वही हम सूफिज़म में अगर देखेंगे तो मैच करती हैं यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सूफिज्म सब रिलीजन है वो कहाँ से उसकी ब्रांच है कहाँ से निकल के आया वो इस्लाम रिलीजन से निकल के आया तो जो भी प्रॉफिट्स के इंस्ट्रक्शंस थे जो उन्होंने लोगों को गाइड किया था सूफिज्म के अंदर भी सेम वही प्रीच किया जाता है लोगों को वही समझाया जाता है पॉइंट है सिंपल प्योर एंड सेक्रेट लाइफ जितने भी सूफी संत हैं वो सब के सब यही कहते हैं कि हमें एक नॉर्मल शुद्ध और एक प्योर लाइफ जीनी चाहिए इस तरीके से जीनी चाहिए कि हमें जो है गॉड के साथ कनेक्ट करना है हमें कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ जो है उसे कलेक्ट नहीं करना है लालच नहीं करना है और हमें जो है अपनी लाइफ में स्ट्रिक्टली इन चीज़ों का पालन भी करना चाहिए ताकि हम गॉड के साथ कनेक्ट कर पाए सिक्स पॉइंट है सेल्फ सरेंडर और प्रापर्ति कि एक इंसान को अपने आप को सेल्फ सरेंडर कर देना चाहिए मतलब गॉड को सौंप देना चाहिए तरीके से एक इंसान को प्राप्ति मिल सकती है ही शुड हैव नो अटैचमेंट विद द वर्ल्डली अफेयर्स दुनिया की कोई भी चीज़ के साथ हमें अटैचमेंट नहीं रखनी है बट शुड आइडेंटिफाई हिमसेल्फ कम्पलीटली विद गॉड हमारी पहचान हमारे गॉड से होनी चाहिए तो इसीलिए हमें जो भी चीज़ें हैं सब सेक्रीफाइस कर देनी चाहिए गॉड के लिए पॉइंट है यूज़ ऑफ डिवोशनल म्यूज़िक एंड सॉन्ग अब सूफिज़म में ये माना जाता है कि अगर हमने भगवान की भक्ति करनी है उनसे कनेक्ट करना है तो हमें जो है म्यूज़िक और सॉन्ग्स के थ्रू हम कर सकते हैं इस चीज़ को समा बांधना कहते हैं और सूफिज्म में इस चीज़ की शुरुआत होती है नाइन्थ सेंचुरी में सिंगिंग एंड डांसिंग वर रिगार्डेड बाय सज एज अ मैथड ऑफ यूनियन विद गॉड तो गॉड से कनेक्ट करने के लिए आप जो है सिंगिंग और डांसिंग का सहारा ले सकते हो विद द एम ऑफ सरेंडिंग टू द गॉड दे स्टार्टेड सिंगिंग कवालीज तो इसीलिए उन लोगों ने अपने आप को गॉड को सरेंडर करने के लिए कवालीज़ का जो ट्रेडिशन है वो स्टार्ट किया था एट पॉइंट है एम्फोसिस ऑन द ब्रदरहुड ऑफ मैन काइंड दे बिलीव्ड इन द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल द रिलिजन सूफिज्म में सारे धर्मों को बराबर समझा जाता है किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं और हिंदू मुस्लिम की यूनिटी जो है इस पे ज़्यादा फोकस किया था उस टाइम पर उन्होंने ब्रदरहुड की फीलिंग कि सब जो है ब्रदर हैं के साथ कॉपरेट करना चाहिए ज़रूरत पड़ने पे मदद करनी चाहिए और एक इंसानियत दिखानी चाहिए दूसरे इंसान के प्रति तो वो सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए जिससे जो है हम एक अच्छे इंसान बन सके नाइन्थ पॉइंट है नो बिलीफ इन फॉल्स रिचुअल्स एंड प्रैक्टिस जितने भी सूफी धर्म के संत हैं उन लोगों ने जो गलत रीति रिवाज है जो प्रैक्टिसज़ हैं वो सब लोगों को करने से किया दे बिलीव दैट गॉड इज नॉट प्लीज विद मेयर लिप कि आप सिर्फ नाम अगर जपते रहोगे तो उससे भगवान खुश नहीं होंगे ही इंटेंस एंड सिंसियर लव भगवान को दिल से अगर आप याद करोगे और सिंसियरली प्यार करते हो उनसे कनेक्ट करना चाहते हो तभी वो आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे द रियल वर्शिप ऑफ गॉड इज कंप्लीट डिवोशन टू हिम एक्चुअल भक्ति क्या है गॉड की जब आप अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर देते हो गॉड को टेंथ पॉइंट है नो बिलीफ इन कास्ट सिस्टम सूफी संत किसी भी कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते हैं वो स्ट्रांगली इस चीज को अपोज करते हैं कि लोअर कास्ट के लोगों के साथ जो उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और सारे ह्यूमंस इक्वल हैं किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और सारे सूफी संत एक ही चीज प्रीच करते थे ब्रदरहुड यानी भाईचारे वाली फीलिंग जो है हमें बना के रखनी चाहिए सबके साथ कॉपरेट करना चाहिए एंड में कॉन्क्लूजन फोर टू फाइव लाइन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉन्क्लूजन इन द एंड इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं है, पेन में लिख सकते हो इन केस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी मैंने आपके लिए यहाँ लाइंस लिख दी हैं है, आप यहाँ से रीड कर लेना बट कॉन्क्लूजन लिखना इज मस्ट आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और सिलेबस प्लीज़ कमेंट बिलो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम ऑल द बेस्ट अचीवर्स हैव अ नाइस डे